हे गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू? तो आपको पता है कि हम संडे संडे डिस्कस करते हैं राज्यसभा के बिग पिक्चर जो भी आता है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। और आज के जो है, जो दो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, लास्ट वीक जो आए हैं, यानी कि इसी वीक जो आए हैं, एक तो है ग्रोथ ऑन राइट पाथ, ये जो आर्टिकल आया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एक है ह्यूमेनाइजिंग प्रिजन्स। सो प्रिजन्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वैसे एक और प्रिजन रिफॉर्म का ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ राज्यसभा का ही डिबेट, ये एक और आया है, तो हो सकता है कि मेन्स में जो है क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन बार इस पर जो है एम्फेसिस हो चुका है कि प्रिजन के अंदर रिफॉर्म जो है करने की ज़रूरत है। और यह है ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ हमारी कैसी चल रही है, किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ों पर हमें जो है और ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज हम लैक कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हम सेकंड आर्टिकल पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑन राइट पाथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रिजन रिफॉर्म के जो आर्टिकल आया इसके बारे में, डिफरेंट जो एमिनिस्ट है वो पैनलिस्ट जो है वो क्या बोलते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बोला है गवर्नमेंट को कि जो एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ली है कि जो प्रिजन का जो एक तरह से सिचुएशन है, ठीक है, जेलों की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है और उसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और पहले भी इसके बारे में बोला था। और अभी देखिए हर स्टेट गवर्नमेंट को, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है प्रिजन के रूल हैं, ठीक है, प्रिजन रूल्स जो है उसके अंदर चेंजेस कीजिए और ताकि उनको और ह्यूमनाइज बनाइए, और जो राइट्स हैं प्रिजनर्स जो हैं उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में भी, उनको भी ख्याल रखिए, उनको भी जो है टेक केयर रखिए। तो दो चीज़ों पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी बात बोली है, तो इसी के ऊपर जो है पूरा डिबेट होता है। और डिबेट में देखिए बताए जाते हैं कि देखिए अभी इसके बारे में भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली है कि जो प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है, जो जेल के अंदर होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है साइकेट्रिस्ट से भी मिलने का मौका मिलना चाहिए जिनको डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, यानी कि जिनको जो है डेथ सेंटेंस मिला है, फांसी की सजा मिली है, तो उनको साइकेट्रिस्ट से जो है टाइमली उनको मिलने का मौका देना चाहिए। तो ये दो तीन बातें जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं, मेजर मेजर बातें हैं, लेकिन हमें क्या देखना है इस आर्टिकल में, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि क्या क्या जो है इश्यूज हैं जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, यानी कि क्या क्या, पहले तो हम ये देखें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और ये जो प्रॉब्लम्स है इनका सोल्यूशन क्या है। देखिए हर आर्टिकल में दो ही चीज़ याद रखिए आपको जो फोकस करनी है, प्रॉब्लम एरिया क्या है, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है उसका। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम एरिया देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले कहते हैं कि देखिए जो अरेंजमेंट है, ठीक है, सीवेज हो, सीवेज सिस्टम हो, ठीक है, या टॉयलेट्स हो, ठीक है, इनका जो सिस्टम है बहुत बुरा है, यानी कि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बोला है कि सीवेज है, टॉयलेट सिस्टम है, वो बहुत बेकार है जेल का, इसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बताते हैं कि देखिए जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं उनके लिए भी जो है प्रॉपर रूम्स नहीं है। सपोज कीजिए कोई किसी की माँ को सजा हो गई है और उसका बच्चा है, तो 0 से 6 साल तक वो रहता है जब तक जो है उसको अलाउ किया जाता है कि वो जेल में अपने माँ के साथ रह सकता है, तो उनके लिए भी जो है प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, उनके एजुकेशन के लिए, ठीक है, उनके खेलने के लिए, गेम्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, ठीक है, ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है। वो हेल्थ के साथ साथ जो है उनको प्रॉपर जो है रहने की जगह मिलनी चाहिए, तो ये सब अवेलेबिलिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू जो है इसके बारे में बताते हैं। सब उसके बाद बताते हैं ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जेल जो है ओवर क्राउड हो गई है, जहां पे लिमिट है कि 100 100 कैदी होनी चाहिए, वहां पे 200 200 कैदी रह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू जो है डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम एरिया में। इसके बाद कहते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, मेंटल हेल्थ जो है वो भी बहुत खराब हो गई है वहाँ के जो प्रिजनर्स है उनकी, तो उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उनको फूड जो है प्रॉपर मिले, ठीक है, उनको रहने के लिए एनवायरनमेंट जो है प्रॉपर मिले, क्योंकि देखिए जेल में तो है लेकिन उनके भी कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, उसका भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद बताते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है इनका बहुत कम है, यानी कि इनके घर वालों से बहुत कम मिलने दिया जाता है, इनको जो है न्यूज़पेपर वगैरह या टीवी वगैरह ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई जाती, जिनके कारण जो है अकेला सा पड़ जाता है इंसान, और वो है सुसाइड भी बहुत बार कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये बोलते हैं एक और बड़ा इशू ये हाईलाइट करते हैं, देखिए जो पुअर है, मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड है, उसके अलावा जो SC ST हैं, ये लोग जो है अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा जो है इनको देखने को मिलता है कि जेल के अंदर ज्यादा है। सपोज कीजिए पॉपुलेशन अगर SC ST की सपोज कीजिए 7% पॉपुलेशन है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, SC की पॉपुलेशन सपोज कीजिए 7% है, लेकिन आपको जेल में कितने दिखेंगे, यहाँ पे 15% लोग SC कम्युनिटीज दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो पुअर है या फिर जो मार्जिनलाइज लोग हैं इनके खिलाफ जो है केसेस ज्यादा होते हैं, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि जो पुअर या डाउन जो लोग हैं इनके ऊपर जो है इनके अंडर ट्रायल में अगर ये रहते हैं या फिर इनकी ट्रायल प्रॉपर नहीं होती, इनके पास पैसा नहीं है, तो इनकी जो है पूरा ट्रायल सिस्टम जो है प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए, राइट। इसके बाद देखिए और क्या बताते हैं कि डिजीज वगैरह के केसेस बहुत रहते हैं, ठीक है, बहुत बार तो ऐसा बताया गया है कि
बाहर से जब आते हैं तो वो बिल्कुल फिट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डिजीज हो जाती है। उसके कारण क्या है, जैसे कि जो साफ सफाई नहीं है, ठीक है, टॉयलेट मैंने बताया सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, इसके अलावा जो कपड़े वपड़े दिया जाते हैं उनकी जो है प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होती, जो चद्दर या उनको दी जाती है वो एक इनमेट से दूसरे इनमेट को दी जाती है, दूसरे से तीसरे को, तो बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। उन चीजों पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। सबसे बड़ा इशू, अभी तक का सबसे बड़ा इशू जो है अंडर ट्रायल, ठीक है, एक डेटा के अकॉर्डिंग ये बताते हैं करीबन आज भी 66% लोग जो हैं जो जेल के अंदर वो अंडर ट्रायल है, यानी कि उनकी ट्रायल कंप्लीट ही नहीं हुई है, ठीक है, उनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आरोपी है या नहीं है वो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है प्रिजन रिफॉर्म का, जिसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अंडर ट्रायल लोग हैं, इसमें भी काफी चीजें इन्वॉल्व है, प्रिजन के अंदर तो ये है वो तो इन्वॉल्व है, इसके साथ जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, ठीक है, जुडिशरी के साथ पुलिस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट वगैरह तो पुलिस ही करेगी। तो ये सब चीजें, यानी कि ये एक होलिस्टिक व्यू से हमें पूरा जो है सिस्टम को देखना पड़ेगा, राइट। इसके बाद ये बताते हैं कि देखिए पुलिस और प्रिजन का जो स्टाफ है, ठीक है, पुलिस स्टाफ अलग है और जो प्रिजनर प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं वो अलग है, इनकी एक स्टाफ जो है वो भी अलग है, इस वजह से भी एक कैलोब्रेशन नहीं देखने को मिलती, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बाद बोलते हैं कि देखिए सबसे एक और इशू देखा जाए कि अगर कोई प्रिजनर बाहर भी निकल के आ जाता है तो सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है, सोसाइटी के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं वो एलिनेटेड हो जाता है, अलग हो जाता है सोसाइटी से, और फिर वो चीज़ उसको क्राइम करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि सोसाइटी उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखती है, राइट। इसके बाद छोटे मोटे और इश्यूज बताते हैं, करप्शन बहुत है, ठीक है, करप्शन बहुत है, जो पैसा मिलता है बजट मिलता है वो बजट जो है पूरा यूटिलाइज नहीं होता, बजट भी बहुत बार जो है वापस चला जाता है जितना पैसा दिया जाता है, क्योंकि जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हो गया है उसको जो है दोबारा उसको रिन्यू नहीं किया जाता उसको, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो खराब है ही, इसके अलावा करप्शन मैंने बताई दिया, उसके अलावा बोलते हैं सुसाइड के केसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक इशू है। तो ये सारे इशूज हैं, ये प्रॉब्लम एरिया है, राइट। अब इनका सोल्यूशन क्या होगा, क्या क्या सोल्यूशन किए जा सकते हैं, देखिए प्रॉब्लम जो है उसी का सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन भी आप प्रॉब्लम से ही ढूंढ सकते हैं, लेकिन कुछ हमें अलग भी चीजें बतानी पड़ती है जो प्रॉब्लम से, उसके अलावा जो है सोल्यूशन हमें कुछ अलग भी डिफाइन करने होते हैं, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या जो है सोल्यूशन लिए जा सकते हैं, जिससे कि जो प्रिजन रिफॉर्म है, यानी कि बोल सकते हैं प्रिजन रिफॉर्म क्या क्या लाने की जरूरत है, ये तो हमने प्रॉब्लम एरिया पढ़ा है, राइट। चलिए देखते हैं क्या क्या जो रिफॉर्म लाने की जरूरत है। सबसे पहले कहते हैं देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने की जरूरत है, अकोमोडेशन बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, इंक्रीज किसको करना पड़ेगा, अकोमोडेशन, क्योंकि इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है तो अकोमोडेशन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो है जेल में जो कैदी हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं टाइम के साथ। इसके बाद क्या है, अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, ठीक है, अपग्रेडेशन करने की जरूरत है जेलों की, जो कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल हो या ह्यूमन तरीके से हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको जो है अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके बाद बताते हैं ओपन जेल का सिस्टम भी जो है हमारी यहाँ पे है, करीबन 70 जेल ऐसा है कि जहाँ पे ओपन जेल का सिस्टम है, तो उसको भी जो है प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, इससे भी जो है रिफॉर्म लाया जा सकता है। इसके बाद ये बताते हैं रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर कोई जो प्रिजनर है वो छूट के जाता है तो उसका कैसे रिहैबिलिटेशन हो, ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वोकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग भी इनको देनी चाहिए, अगर ये बाहर जाते हैं तो ये जो है प्रॉपर काम करके जो अपनी आमदनी वगैरह कमा सके, अपनी जो है अपना जो है जीवन जो है अच्छे से गुजारा उसका कर सके, तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी देने की जरूरत है। लीगल एड, ठीक है, लीगल एड जो है वो भी प्रॉपर प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है, जुडिशरी की तरफ से। इसके बाद बताते हैं हेल्थ एजुकेशन, इन चीज़ों पर ध्यान देना ही चाहिए। इसके अलावा देखिए एक प्रोविजन होता है कि जजेस को भी जो है फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहिए जेल के अंदर, और बट ऐसा होता नहीं है, तो ठीक है ये भी आप एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि जजेस को जो है फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहिए, और जो एक ह्यूमन राइट्स है या कुछ भी रिफॉर्म लाया जा सकता है उसको, ताकि ईजिली लाया जा सके। इसके अलावा बोलते हैं मीडिया हो गया, ठीक है, सिविल सोसाइटी हो गया, इनको भी मिलने के लिए अलाउ करना चाहिए, ताकि ये सिविल सोसाइटी वगैरह भी इनसे लोगों को मिले और ये प्रॉपर एक रिफॉर्म लेके आए, ये बताए कि क्या क्या रिफॉर्म की जरूरत है, क्या क्या कमियां हैं। इसके अलावा बताते हैं पुलिस कमीशन जो रिपोर्ट है, ठीक है, पुलिस कमीशन की एक रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट के अंदर जो रिकमेंडेशन दी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा क्या बताते हैं, देखिए एक रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी 2007 में, ठीक है, 2007 में उसको जो है बहुत कोट किया जाता है, ये आपको जो है रट रट लेनी है, सपोज कीजिए, ठीक है, ये है BPRD, ठीक है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिफॉर्म
रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई थी 2007 में। तो इसको जो है इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, इसने पूरा रिसर्च की क्या क्या कमियां हैं, कैसे जो हम सुधार कर सकते हैं, तो इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इसके अलावा बताते हैं कि जो बजट है, बजट जितना मिलता है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना चाहिए, अपग्रेडेशन करना चाहिए, जो स्टाफ है ठीक है वो स्टाफ भी बहुत कम है जो जेल को संभालते हैं, तो स्टाफ सिस्टम भी जो है प्रॉपर होना चाहिए, करप्शन को खत्म करना चाहिए, बहुत बार जो है मोबाइल पकड़े जाते हैं जेल के अंदर, तो ये सब चीजें जो है सोल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो पूरा सिस्टम है वो सोल्व होगा, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, सॉल्यूशन समझ आ गई, इतना ही बहुत है आपके लिए। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, ये सब चीजें तो लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे कि जो ये ब्यूरो पुलिस रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी की जो रिपोर्ट है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए, और इसके लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें जुडिशरी और आपका एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिजन जो है एक साथ जो है इंटेंडम में काम करे और होलिस्टिक तरीके से काम करे, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था प्रिजन रिफॉर्म के बारे में। दूसरा आर्टिकल जो आया वो इंडियन ग्रोथ स्टोरी के बारे में आया है। देखिए बताते हैं कि अभी क्या हुआ, आईएमएफ के जो चीफ है इन्होंने बोला कि इंडिया का जो है ना ग्रोथ सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, पिछले 4-5 साल से जो है ग्रोथ सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया जो है 7% के आसपास ग्रो कर रहा है, और इंडिया में बोल रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स आए हैं, कुछ रिफॉर्म जीएसटी हो गया या फिर आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो गया, ये बहुत अच्छे रिफॉर्म आए हैं, इनके कारण जो है इंडिया को काफ़ी बेनिफिट मिला है रैंकिंग में भी, और इंडिया की ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन ये बोलते, पहला क्वेश्चन पूछ रहे कि क्या ग्रोथ जो है किस किस एरिया में अच्छे से हो रही है, किस एरिया में नहीं हो रही है। ये बोलते कि देखिए 4 साल में ऐसा हुआ है कि मानसून जो है वो काफ़ी अच्छा ही रहा है, तो मानसून के कारण ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ तो अच्छी रही है लेकिन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम क्या, अभी हम डिस्कस करेंगे, ये वैसे हमें पता भी है लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बताते हैं कि एक्सपोर्ट जो है हमारा काफी जो है ऑफ लेट बात करें, थोड़ा लेट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी हमारा ठीक ठाक ही हो गया है, ठीक है, एक्सपोर्ट जो हमारा वो ठीक ठाक जो है बाद में अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसके अलावा बोलते हैं कि सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी ग्रोथ है वो कंजम्पशन ड्रिवन है, ठीक है, कंजम्पशन ड्रिवन है वो यानी कि उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन नहीं है, इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट इतना नहीं हो रहा है, कंजम्पशन की वजह से हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है। सर्विस सेक्टर में बताते हैं कि सर्विस सेक्टर में 4 साल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, एक नॉर्मल जो ग्रोथ चलती आ रही है वही ग्रोथ चलती आ रही है, तो ये जो है बेसिक चीज़ें बताते हैं। सेकंड पैनलिस्ट बोलते हैं देखिए एग्रीकल्चर की ग्रोथ तो ठीक है, आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है, तो फिर हमें एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस क्यों देखने को मिल रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस क्यों है, आजकल फार्मर इतना क्यों जो है रैली कर रहे हैं और इतना जो है प्रॉब्लम आ रहा है, सुसाइड, फार्मर सुसाइड हमें देखने को मिलता है। ये बताते हैं प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीकल्चर में जो जितनी यानी कि सप्लाई हो रही है ठीक है उसका प्राइस नहीं मिल रहा है, फार्मर्स को प्राइस नहीं मिल रहा, वही वाली बात सिंपल हमें पता है कि 10 रुपए की चीज जो फार्मर बेचता है तो नॉर्मल जो है कंज्यूमर को 30 रुपए में 40 रुपए मिलती है, अगर ये 30 रुपए 40 रुपए फार्मर को मिले तो फार्मर जो है डिस्ट्रेस होगा ही नहीं, उसकी जो है ऑटोमेटिकली जो है उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, राइट। इसके अलावा कहते हैं कि देखिए ठीक है फिस्कल डेफिसिट में काफी अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, फिस्कल डेफिसिट ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ग्रोथ आपकी 7% है ये अच्छी बात है, लेकिन ग्रोथ जो है इंक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव यानी कि हर सेक्टर जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा है, कुछ सेक्टर ग्रो कर रहे हैं और सभी जो यानी कि जो दबे हुए सेक्टर वो अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं, या इस इसको बोल सकते हैं एसएमई सेक्टर है, ठीक है, जो आपका एसएमई सेक्टर है या एमएसएमई सेक्टर है, मैक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, उनको जो है उनके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा बोलते हैं अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, ये बोलते हैं हमारे 80 से 90% जो हमारी सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, चाहे इसका फाइनेंस हो या इसको अनऑर्गेनाइज को कैसे हम ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाए, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर इसको जो है पूरा लेके आए ताकि ये इकोनॉमी के साथ मिलके काम कर सके, तो ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये बताते हैं कि देखिए जॉब क्रिएशन में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जॉब क्रिएशन के इशू है जो 4-5 साल में अच्छे से सोल्व नहीं हो पाया है। आज हमारे यहाँ पे आपको पता है कि यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिनको जो है जॉब की जरूरत है, तो ये बोल रहे हैं कि ये चीज भी जो है गवर्नमेंट को ध्यान देनी पड़ेगी कि किस तरह जो है जॉब क्रिएशन की जाए, और जो है इसके अलावा जो है स्किल डेवलपमेंट भी किया जाए लोगों का, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट भी हो सके। देखिए आपको करना क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये करना है आपको, सिर्फ पॉइंट लिख लेने हैं और एक पेज पे दोनों ही आर्टिकल आपके आ जाएंगे, इतना ही बहुत है, इतनी चीज़ें अगर एग्जाम में आपको याद होगी ना तो आपको जो है कोई रोक नहीं सकता है मेन्स क्लियर करने से, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए थोड़ी सी। इसके अलावा बताइए देखिए गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, एक एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, देखिए गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है, ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या होता है कि सपोज कीजिए इकोनॉमी 7% से ग्रो कर रही है तो इसका फायदा जो है पूरे
पूरे देश को पहुंचेगा। ये कह रहे हैं देखिए ऐसा नहीं होता है, इंडिया के अंदर जो ट्रिकल डाउन अप्रोच है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। देखिए ट्रिकल डाउन अप्रोच जो है पहले फ्रांस के अंदर आई थी बहुत पहले, उसके बाद जो इंडिया को भी लगने लगा था ट्रिकल डाउन अप्रोच से काम चलेगा, यानी कि ऊपर ग्रोथ हो रही है तो इससे सबको फायदा होगा, लेकिन बोल रहे हैं इसका बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा है। इंडिया को जो है बॉटम अप अप्रोच पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे लोअर लेवल ग्रास रूट लेवल पर है उसको जो है एम्पावर करने की जरूरत है, ताकि उसका फायदा ऊपर तक पहुंचे, ना कि ऊपर का फायदा नीचे पहुंचे, क्योंकि ऊपर का फायदा नीचे आज तक जो है 70-80 70-75 साल में नहीं पहुंचा है। ठीक है, इसके अलावा बताते हैं कि फोकस एरिया क्या क्या होना चाहिए। ये तो देखिए ये बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, प्रॉब्लम्स के साथ साथ किस किस चीज ने अच्छा किया, यानी कि आपको मिक्सअप सब पता होना चाहिए, आपको जो है कौन सा सेक्टर अच्छे से ग्रो किया, कौन सा नहीं कर पाया, कि उस नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, और जिसने किया है तो क्यों किया है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पूरा ग्लोबल सिनेरियो आपको पता होना चाहिए, इंडिया की भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कह रहे हैं फोकस एरिया क्या होना चाहिए, ये कह रहे हैं हमें जो वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड जो एक्सपोर्ट है हमारा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हमें करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बोलते हैं कि नॉन फार्म जो इंस्टीट्यूशंस है, नॉन फार्म इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, उसकी ग्रोथ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर एक अलग पैनलिस्ट बताते हैं कि देखिए फार्म नॉन फार्म को ठीक है, लेकिन आज भी जो है 55% पॉपुलेशन जो है हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो एग्रीकल्चर में प्राइसेस प्रॉपर कैसे मिले किसानों को, ये बहुत देखने की ज़रूरत है। ये बोलते हैं फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बहुत कम है, उसका रीज़न यही है कि बहुत प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छी हो रही है लेकिन इसका दाम नहीं मिल रहा, इसलिए एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हो रहा है, तो इस पर बहुत जो है ध्यान देना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को जो है सेमी और जो रूरल एरिया है, ठीक है, रूरल और जो सेमी रूरल एरिया है उनके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर गांव हमारे अच्छे होंगे, गांव में पॉपुलेशन को जो है प्रॉपर रोजगार मिलेगा तो वो माइग्रेट भी नहीं करेगी, वहीं पे जो है उसको ग्रोथ मिल जाएगी। और ये बोल रहे हैं कि पीपीपी मॉडल यहाँ पे काम नहीं कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट को ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्लस्टर अप्रोच से काम नहीं चलेगा, राइट, या सिटी सिटी की ग्रोथ से जो है काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिटी की आप ग्रोथ करें, आपको जो है ग्रोथ जो है रूरल एरिया की ग्रोथ करनी पड़ेगी, उनके लिए भी जो है पूरे रोजगार वगैरह खोजने पड़ेंगे, तभी जो है हमें काम आ पाएगा, राइट। तो ये पूरा जो है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का जो आर्टिकल था उसके अंदर बताया गया। आप जो है और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, आपको कुछ याद आते हैं तो, मैंने सिर्फ वो बताया जो आर्टिकल में बताया गया, राइट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, चीजें आपको पता चल जाए और एकदम होलिस्टिक तरीके से आपको पता चल जाए, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे, आपको ये बिग पिक्चर का डिबेट जो आएगा, दो ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, और रफाल डील से आया है, रफाल डील का हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा रफाल डील रिगार्डिंग, क्योंकि एक तरह से ये पूरा पॉलिटिकल इशू ज़्यादा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।